आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिंदगी का निचोड़। और आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं प्यारे लाल सर से। सर, आप अपने जीवन के बारे में हमारी प्यारी जनता को कुछ बताइए। देखिए, मैं प्यारे लाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गंगुआ हिसार में प्राध्यापक कॉमर्स के पद पे कार्यरत हूँ। और मैं वहाँ, मेरा जो एजुकेशन है वो 97 से मैं एजुकेशन लाइन में हूँ। और मैं स्कूल के अंदर जो है ना वो एज ए लेक्चरर जो है ना वो बच्चों को टीच करता हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या सर? मैं एमकॉम हूँ और उसके बाद नेट क्वालिफाई किया। और उसके बाद जो है ना मेरा ये जो विद्यालय स्तर के ऊपर जो लेक्चरर की पोस्ट निकली उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा सर, तो स्टार्टिंग से आप गवर्नमेंट टीचर हो सर? हाँ, स्टार्टिंग से मैं गवर्नमेंट टीचर रहा हूँ। और पहले कुछ टाइम मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है। अच्छा। और जाट कॉलेज में भी मैंने कुछ टाइम के लिए पढ़ाया है। तो अभी सर, जैसे आप एजुकेशन लाइन में कौन सी क्लास को पढ़ाते हो सर? मैं 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाता हूँ। और सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स से है, तो नेचुरली उसके अंदर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी दो विषय जो है ना हमें पढ़ाने होते हैं, दो विषय पढ़ाता हूँ। ठीक, जो ये व्हील चेयर पे हो आप सर, हैंडीकैप, इसकी क्या कहानी है सर? वैसे देखिए, मैं पहले बिल्कुल नॉर्मल आपकी तरह ही था, चलता फिरता था, अच्छे मतलब जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जीवन के अंदर एक ऐसी मतलब मोड़ आया कि वो मोड़ मुझे व्हील चेयर पे ले आया। ये फरवरी 2000 की बात है। और गाड़ी से मतलब दिल्ली से मैं आ रहा था और सीधे आमने सामने जो है ना वो गाड़ी की टक्कर हो गई। और उस टक्कर में, एक्सीडेंट में जो है ना, उस दुर्घटना के अंदर ये मेरी स्पाइन इंजरी हो गई। और उसके बाद से मैं जो है ना वो व्हील चेयर पे हूँ। अच्छा सर, और ये उस टाइम आपकी क्या एज होगी सर? उस टाइम मैं 28 वर्ष के एज में था। एक यंग एज? हाँ, बिल्कुल यंग एज था। और मेरे को ज्वाइन किए कोई 6-7 महीने ही हुए थे। अच्छा। हाँ, तो ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक। और सर मतलब वो मतलब पल एकदम से, क्योंकि यंग वर्जन और एकदम से इस चीज पे आना तो काफी। यस यस, आप देखिए कि जब ऐसी दुर्घटना एक जीवन में आ जाती है तो देखिए पूरे परिवार के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ता है। और एक दिमागी रूप से जो है ना व्यक्ति जो है ना वो संतुलन खो बैठता है। और मैंने उस अवस्था के अंदर डॉक्टर से और मतलब हर तरह से प्रयास किया था, लेकिन डॉक्टर ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, आप घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए। लेकिन मैंने ही कहा कि भी आप अपना काम करिए भाई, वो तो आगे की बात है, वो तो भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आप अपना काम करिए। तो उन्होंने मेडिकल में पीजे रोहतक जो है ना एडमिट किया और ऑपरेट भी हुए, लेकिन ज्यादा वो कामयाबी मिली नहीं। और उस दौरान तो कोई मेरे से मतलब बेड पे लेटना या करवट लेना ये बड़ी मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे मतलब अपने प्रयास से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, वो अपने आप को इतना काबिल किया कि मैं बेड से व्हील चेयर पे बैठ जाता हूँ और व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट कर जाता। अच्छा, अपने आप ही सर? हाँ हाँ, अपने आप ही। और करवट वगैरह सारा कुछ मतलब अपने आप कर लेता हूँ, कर लेते हो? हाँ। और गाड़ी जैसे है तो मैंने हैंड ड्राइव गाड़ी करवा रखी है। अच्छा। और अपने व्हील चेयर से गाड़ी में बैठ जाता हूँ और अपने ड्राइव करके जहाँ जाना होता है, ड्यूटी पे जाता हूँ तो उसी पे जाता हूँ। अच्छा, मैं सेल्फ कर रहा हूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब कोई ज्यादा मुझे हेल्प की जरूरत नहीं होती। नहीं सर, जैसे मतलब इंसिडेंट से पहले तो आपका पूरा मतलब अपने आप चलना, उधर उधर जाना कोई दिक्कत नहीं, एकदम से वो लाइफ आ जाना, उस समय को फिर आपने कैसे काटा सर? मतलब क्योंकि बेड पे रहना बंदे को, देखिए हौसला जो होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। और इसमें जैसे 1.5-2 साल तक तो मैं बेड पे रहा, लेकिन धीरे धीरे मतलब ये मन में आया कि भी बेड पे जिंदगी काटना तो एक नरक के समान होता है। और समाज के अंदर हम निकले और समाज के साथ अगर हम जुड़ाव करेंगे तो निश्चित रूप से हमें हौसला भी मिलेगा और समाज से एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी। रिस्पेक्ट मिलेगी बिल्कुल। तो वही किया हम धीरे धीरे, मतलब समाज के अंदर मैं गया और लोगों से मिलना शुरू किया।
तो समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर चर्चा करते, उनके ऊपर लोगों को जागरूक करते, और धीरे 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 करते करते हमारा एक जो है ना बहुत बड़ा कारवां भी बना। हाँ सर, आपने फिर क्या किस टाइप के काम स्टार्ट किए थे सर उसके बाद? हाँ देखिए, हमने मतलब एक ईच वन टीच वन के नाम से संस्था का निर्माण किया। ये सर आपकी जर्नी इंसिडेंट के बाद की? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा इंसिडेंट के बाद था। और संस्था का निर्माण का जो उद्देश्य था वो यही था कि समाज के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना और जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को ख़त्म करना या उनके प्रति लोगों को मतलब जागरूक करना, तो ये हमारा उद्देश्य रहा। और इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में जो काम लिया वो जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो कभी स्कूल नहीं जा पाए या जो लड़कियों की शादी हो जाती है, हाँ, तो शादी के बाद उनकी पढ़ाई ससुराल में जाकर के छूट जाती है, तो हमारा ये प्रयास रहा कि उन लड़कियों को भी दोबारा से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। ये विचार कैसे है सर आपके? अब देखिए, इसके बारे में एक बहुत बड़ी घटना रही है कि एक महिला मतलब अपने बच्चे को एडमिशन के लिए स्कूल में आई। अच्छा। और मैं क्लास ले रहा था और उसने बच्चों को पढ़ते हुए उसके मन में ये मतलब बात स्ट्राइक करी कि क्या हम भी पढ़ सकते हैं क्या। अच्छा। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि सर जी क्या हम इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं क्या, तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाया उसको। और मैंने मतलब मेरे दिमाग में बात स्ट्राइक करी कि भी किया जाए तो कैसे किया जाए। मैंने मेरे साथियों से मीटिंग की कि भी छुट्टियां आएंगी, उन छुट्टियों के अंदर हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए और ये हमारा उद्देश्य है। तो लगभग सभी ने मतलब नेगेटिव जवाब दिया कि ये हो नहीं सकता, गांव की महिलाएं और इनको खेतों का काम है, पशुओं का है, घर का काम है, तो ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन मेरा अंदर से कह रहा था कि भी जरूर हम करेंगे, इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तो उन्होंने कहा जी चलो कोई बात नहीं, आप करिए, अगर जरूर पड़ी तो हम आ जाएंगे। अच्छा। तो जी मतलब छुट्टियों के अंदर हम गली गली में गए, घर घर गए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया महिलाओं को, और महिलाएं जो है ना इस चीज के लिए आगे आई। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा कारवां बना और विद्यालय के अंदर 250 महिलाओं की क्लास स्टार्ट हो गई। 250 महिलाओं की, और वहाँ हम रेगुलर क्लास लगाने लग गए छुट्टियों के अंदर, और या फिर जब स्कूल लगते थे तो फिर संडे को हम क्लास लगाते छुट्टी वाले दिन, और या और कोई छुट्टी होती है उसमें हम क्लास लगाते थे। तो महिलाओं ने बड़ा प्रयास किया और साथ में वॉलेंटियर और बाकी और टीचर की टीम भी मेरे साथ बन गई। स्टार्टिंग में तो आप अकेले थे सर? हाँ, स्टार्टिंग में अकेला और दो चार मेरे वॉलेंटियर रहे बस। अच्छा, वॉलेंटियर। हाँ, तो गांव-गांव मतलब गली गली हम निकले घर घर जा करके, तो महिलाएं जो है ना वो फिर साथ देना शुरू कर दिया कि ठीक है जी हम पढ़ेंगी, आप लगाइए क्लास लगाइए, तो हमने क्लास स्टार्ट कर दी। तो फिर और साथी आगे, फिर हमारा मतलब पूरा एक कारवां बन गया और हमारे साथ लगभग 8,000 महिलाएं जुड़ी अनेक गांव के अंदर। केवल एक गांव का ये अभियान नहीं रहा, फिर अच्छा। फिर तो अनेक गांव में, नियर बाई अनेक गांव के अंदर ये अभियान, जितने भी आस-पड़ोस के गांव थे, आस पड़ोस के गांव थे वहां सभी जगह ये अभियान चला। और फिर हमने उन महिलाओं के एग्जाम दिलाए दिल्ली ओपन बोर्ड से। अच्छा। तो उन सब के सर्टिफिकेट भी आए और अच्छे से जो है ना महिलाओं को एक आत्मविश्वास भी आया कि हाँ मतलब हमने पढ़ा है, हमने पढ़ाई की है, हमारी डिग्री है ये। तो ऐसे मतलब एक खुशी मिली उन महिलाओं को और उनके चेहरे पे खुशी देख के हमें बड़ा आनंद आया कि हमने जो काम किया वो एक बेहतरीन कार्य रहा। बिल्कुल सर, मतलब आपने इस कंडीशन के बाद वो काम स्टार्ट किया? हाँ बिल्कुल, इसी व्हीलचेयर के सहारे। हाँ। इसी व्हीलचेयर के सहारे गली गली गए, घर घर गए, हर दरवाजे को खटखटाया, तब जाकर के मतलब ये महिलाएं जुड़ी। ये बात तो सर, मतलब जो फुल्ली हेल्दी बंदा होता है ना वो इतनी चीजें सोचता ही नहीं है। हाँ। वो फालतू की चीजों में इधर उधर ये वो, और जो बंदा मतलब आप जैसे सर मतलब ये चीज आपके दिमाग में और आपने स्टार्ट भी किया इस कंडीशन में, सर मोस्टली बंदे क्या करते हैं यार छोड़ो अब जिंदगी कुछ नहीं रही है, अब कुछ नहीं अपने पल्ले, बस बैठे रहो घर पे या लेट दो या भगवान चख ले बस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब व्यक्ति की जो दिव्यांगता है ना वो कभी भी हाथ और पांव से नहीं होती है। व्यक्ति की जो दिव्यांगता है वो दिमाग से होती है। अगर यहाँ से व्यक्ति कमजोर हो गया ना तो मतलब पूरी जिंदगी जो है ना उसकी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल सर,
क्योंकि लाइफ जो है ना वो यहाँ से चलती है, हाथ पांव से नहीं चलती है। अगर यहाँ व्यक्ति पॉजिटिव है, दिमाग से अगर सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन जो है ना एक बगिया की तरह होता है। और जो आपने जो महिलाएं पढ़ाई थी सर, वो सारी मैरिड थी, क्या एज ग्रुप रहे? हाँ, मतलब वो उनका जो एज ग्रुप रहा वो 30 साल से लेकर के और 90 साल तक। 90 साल तक, बिल्कुल बिल्कुल। 90 साल की महिला भी गिनती और पहाड़े, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से, और उनको हिंदी पढ़ना, मतलब 25 दिन के अंदर हमने सिखा दिया था। ओनली 25 दिन में, हाँ 25 दिन में हिंदी पढ़ना उनको सिखा दिया था। और महिलाएं जो है ना अखबार पढ़ती थी, उनको कितना अच्छा लगता होगा सर, मतलब जो शुरू से कुछ पढ़ ही नहीं पाए उनको पढ़ना सीख गए बिल्कुल। फिर एक सर सही कहा, मतलब एज सिर्फ एक नंबर है। Yes. अगर आप सीखना चाहते हो तो आप किसी भी एज में सीख सकते हो। बिल्कुल, मतलब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तो बगैर मतलब इस उम्र बैरियर के कभी भी हम जो है ना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये मतलब हमने मतलब अनुभव किया है। और कई बार देखा गया, जैसे अखबार आ गया, हाँ, और कोई बच्चा पढ़ रहा है और महिला ने पूछ लिया भाई क्या खबर आई हुई है, तो मोस्टली यही जवाब मिलता है कि ना कुछ नहीं, बस वैसे ही है, वैसे ही है। अरे भाई 15 पेज भर रखे हैं उसने अखबार ने, तो कुछ तो लिखा होगा वैसे। तो अब वो महिलाएं खुद अखबार पढ़ सकती है कि भी क्या लिखा है इसके। बिल्कुल सर, तो इतनी बड़ी जानकारी। और हमने महिलाओं को मतलब फ्री मतलब कंप्यूटर शिक्षा भी दिलवाई। अच्छा। हाँ, मतलब हमने वहाँ एक बस थी, उसके अंदर कंप्यूटर इंस्टॉल थे। अच्छा। और वो बिल्कुल बाकायदा किरतान गांव में बस को मंगवा करके और वहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग उनको दिलाई। वहाँ ये सब आपने खुद से अरेंज किया? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, अपने ही मतलब साथियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से, और वो सारा कुछ मतलब समाज के सहयोग से, गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं लिया हमने, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं ली। हाँ, अपने बेस पे चलाया ये। और महिलाओं ने कंप्यूटर के बारे में बढ़िया मतलब जानकारी हासिल की, और जो यंग जनरेशन की महिलाएं थी, जो 30 से 50 तक की, उन्होंने कंप्यूटर सीखा भी और इंटरनेट चलाना सीखा। तो महिलाएं जो है ना ऑनलाइन जो भी जानकारियां इंटरनेट से ले सकती हैं वो लेती रही है। बहुत ज्यादा अच्छा काम किया सर आपने। और सबसे बड़ी वाली सोचने वाली चीज सर, आप मतलब इंसिडेंट होने के बाद ये काम स्टार्ट करना, आपको बड़ी सारा काम ये इंसिडेंट के बाद का। मेरा जैसा इंसान अभी करे ना सर, तो कोई अचंभे की बात नहीं, चलो कर लिया। लेकिन सर आप जैसे मतलब इतनी कंडीशन होने के बाद भी दुनिया हिल जाती है इस चीजों के बाद सर, मतलब काफी बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, बस यही है, मैं तो हर व्यक्ति को यही कहूंगा कि अपना जो दिमाग है ना उसके अंदर पॉजिटिविटी रखिए। मतलब आज हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी अगर समस्या आ जाती है जीवन में, हाँ, तो अपने मतलब दिमाग का बैलेंस जो है ना वो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है, और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि सकारात्मक सोच रखिए और आगे बढ़िए, निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर। सर जैसे इंसिडेंट हुआ आपका, उसके कितने समय के तक आपको मतलब बहुत ज्यादा अंदर से फील हो रहा था भाई कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और कब आपको एकदम से लगा भी उजाला है आपकी जिंदगी में? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए कि मतलब लगभग 3-4 महीने तक तो मुझे दिमाग में थोड़ा सा रहा कि भाई ये हुआ और ये कैसे हुआ, ये मतलब अब मेरे जीवन के अंदर बड़ी मुश्किल घड़ी है ये। लेकिन फिर धीरे 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 मैं अपने दिमाग को पॉजिटिव करता गया कि भी कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो ऊपर वाले ने किया है, ठीक है, वो तो मतलब ऊपर वाले ने किया है, लेकिन हमारे हौसले को कैसे रोक सकता है? चलने से रोका जा सकता है लेकिन हौसले को नहीं रोका जा सकता। तो मतलब हौसले को बूस्ट किया और समाज में निकले और अपना मतलब पॉजिटिविटी लाइफ में आती गई। और सर मैंने सुना सर आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है सर। हाँ, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक इवेंट रहा कि जिस व्हील चेयर के सहारे हम गली गली घूमे और वही व्हील चेयर मुझे राष्ट्रपति भवन तक लेकर के गई। और हमारा एक अवार्ड होता है जैसे 3 दिसंबर को, तो उसमें मुझे हरियाणा की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड मिला। बेस्ट एम्प्लॉई तो वो मेरे को 3 दिसंबर 2021 को मिला दिल्ली के अंदर। तो मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा एक ये उपलब्धि रही है। और उस अवार्ड मिलने के बाद आप ये मानिए कि हमारे और हौसला हमारे जीवन में मतलब आया। लोगों का सपना रहता है सर प्रेसिडेंट से उसको देखने तक का। यस, और आप सर लाइव उनसे अवार्ड लेके आए, तो खुद में इतनी बड़ी उपलब्धि है सर। यस यस यस,
तो ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि रही है एक जीवन। बिल्कुल सर। और सर जैसे अभी आप स्कूल में आपने इंसिडेंट के बाद पढ़ाना तो काफी दिक्कतें आई होंगी सर, बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे ब्लैक बोर्ड पे करना, क्या करना? हाँ वो देखिए, मतलब एक बार तो थोड़ा सा जब व्हील चेयर पे आदमी आता है तो थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन कुछ ही समय में मैंने अपने आप को इस पे सेट कर लिया और व्हील चेयर पे ही क्लास में जाते हैं। और बोर्ड वगैरह जो है वो अपने हाइट के अनुसार ही मतलब दीवार के ऊपर लगवा लिए ताकि मैं उसका बोर्ड का यूज कर सकूं, बोर्ड का यूज कर। हाँ तो ज्यादा हाइट भी नहीं रखे तो वो उसी के अनुसार जो है ना वो बोर्ड रखे, तो पूरा प्रॉपरली बोर्ड का यूज करता हूँ मैं। कोई मतलब ऐसा नहीं कि भी मैं कर नहीं पाऊंगा कोई ऐसी चीज। अच्छा। हाँ वो हर एक्टिविटी करता हूँ, स्कूल के जितने भी कार्य होते हैं उनके अंदर पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करता हूँ। सर बहुत अच्छा सर। हाँ और सर आपकी लाइफ का कोई सबसे खुशी वाला पल? खुशी वाला तो देखिए, जब राष्ट्रपति अवार्ड मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी मिली। बिल्कुल सर। हाँ और मेरी गुड़िया ने जन्म लिया। अच्छा सर। ये मेरे एक्सीडेंट के बाद ही जन्म हुआ, एक महीने बाद लगभग, तो गुड़िया ने जन्म लिया, तो एक वो भी एक बहुत बड़ी खुशी का पल रहा मेरे लिए। ग्रेट सर। से आपको कम से कम 25 साल हो गए पढ़ाते हुए सर। यस, तो यस, आपके यस। जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ बताइए सर, वो किस स्टेज तक पहुंचे अभी तक? देखिए 25 साल के मेरे मतलब टीचिंग करियर के अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाया है और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो है ना वो अच्छे पद पे पहुंचे, चाहे वो आर्मी का फील्ड है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो मतलब प्रोफेशनल डिग्री का है। प्रोफेशनल के अंदर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए किए हुए हैं और सीएस किए हुए हैं और बैंक के क्षेत्र में भी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी गए हुए हैं और बैंक में तो हेड ऑफिस में भी अच्छे पद पे मतलब मेरे विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं, तो टीचिंग लाइन में है, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे गए हैं। तो जब किसी अध्यापक का बच्चा जब ऊंचे पद पे पहुंचता है तो सबसे बड़ी खुशी जो है ना एक टीचर को होती है। तो हमारे बच्चे हमारे से भी ऊपर जो है ना वो पहुंचे, तो बहुत अच्छे पद पे पहुंचे, तो ये हमें सबसे बड़ी खुशी होती है। और जब हम कहीं भी किसी भी ऑफिस में और जाते हैं और हमारा कोई बच्चा मिल जाए वहाँ, हाँ। तो आते ही वो लोग चरण स्पर्श करता है तो पूछता है सर पहचाना, तो हो सकता है कि 20-25 साल पहले बच्चा पढ़ाया हो तो उसका तो चेंज हो जाता है फिजिकली सारा, तो ना ध्यान रहे, लेकिन वो बताता है बच्चा, फिर हमें पूरा मतलब माइंड में आ जाता है कि हाँ ये बच्चा है और बहुत बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल सर। और सर सबसे आपके लाइफ का सबसे दुख वाला पल? तो हाँ बस वो एक घटना रही है, वही है जो, और ये घटना भी ज्यादा दिन तक मेरे दिमाग में नहीं रह पाई क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो देखिए इतनी बड़ी घटना होती है तो दिमाग में रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना इसको मैंने जो समस्या थी वो निकाला है दिमाग से और मेरे दिमाग को मैंने पॉजिटिव बनाया। एक सर आपने देखा होगा अभी जैसे जनरेशन गैप है सर अपने बीच में काफी, यस, जो अपने बुजुर्ग लोग हैं सीनियर सिटीजन है और जो हमारे जैसे हमारी जनरेशन के हैं, उनके सोच में बहुत ज्यादा मतभेद है। तो उसको सर जैसे अपने को अगर घर में भी कोई सामान लाना हो तो बुजुर्ग लोग कहेंगे भी ये वाला ले आओ, बच्चे कहेंगे नहीं नहीं कुछ चीज लाओ बढ़िया वाली जो लोगों को दिखा पाए, उसको सर आप एक कॉमन डिसीजन पे कैसे ला सकते हैं, क्या करें? देखिए इसमें मतलब सोच को बदलना पड़ेगा, मतलब जो आज की सोच है उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बार बार बच्चों को ये टोका टिप्पणी करते रहेंगे कि नहीं आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं खरीदना है, आप ये गलत खरीद के लाए हो, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, वो बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता। क्योंकि कई बार आज हम देख रहे हैं कि बच्चे को भेज दिया सामान लेने के लिए कि जाइए आप सामान लेके आइए, और बोला खरीदने से पहले है ना और फोटो लेके मेरे पास भेजना, अच्छा। फिर मैं बताऊंगा, तो इससे बच्चा के जो कॉन्फिडेंस है ना वो खत्म हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ऐसी मतलब सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि हमने बच्चे को सौंप दिया कि जाइए बेटा आप ये करके आइए, तो आप ये मानिए कि वो ठीक करके आएगा अपने दिमाग से, क्योंकि हम अपना दिमाग उस बच्चे के ऊपर थोप रहे बिल्कुल, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए बच्चे, हाँ बच्चे को डिसीजन लेने दीजिए, एक बार गलत करेगा दो बार करेगा लेकिन फिर मानिए निश्चित रूप से वो सही डिसीजन लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। तो इसलिए बच्चे को कमजोर हमें नहीं करना चाहिए, तो अपनी सोच को उनके अनुसार बदलना चाहिए।
एक सर जैसे स्टूडेंट आज के टाइम में सर उनपे क्या है डिप्रेशन नाम की चीज है, स्ट्रेस और डिप्रेशन। yes. कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जैसे आज के टाइम में सर सबसे ज्यादा क्वेरीज है बच्चों को नीट का सर और आईआईटी का सर। यस तो बच्चे जाते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, वहां पे अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उनके पास सोल्यूशन ही नहीं होता, मतलब पेरेंट्स किस मुंह से बताए। बिल्कुल, तो फिर वो चले जाते हैं कमिट के, या तो कमिट टू सुसाइड या फिर ड्रग्स वगैरह या फिर नशे में पड़ जाना। यस तो उनके लिए क्या मतलब? देखिए इसमें मतलब एक तो बहुत सा प्रेशर जो है ना पेरेंट्स की तरफ से होता है। बिल्कुल सर, कि नहीं तेरे को तो ये करना ही है बेटे, नहीं तेरे को तो ये करना है किसी भी तरह से हो, तो बच्चे के ऊपर एक मेंटली प्रेशर आ जाता है और वो बच्चा मान लीजिए वहां सफल नहीं हो पाता है तो फिर उसके ऊपर क्या आता है कि भी पेरेंट्स क्या कहेंगे। पेरेंट्स अगर बच्चा सफल नहीं होता है कोई बात नहीं, उसको मोटिवेट करो, कोई बात नहीं बेटा क्या बात होगी, आगे फिर हम अच्छे करेंगे, बढ़िया करेंगे, जितने भी अंक आते हैं उनको स्वीकार करिए कि कोई बात नहीं बेटा आगे और बढ़िया करेंगे हम, है ना। तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे का जो माइंड लेवल है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, और अगर हम प्रेशर देते रहेंगे ना तो बच्चा जो है ना वो कुंठित हो जाता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और अगर थोड़ा सा प्रेशर आ गया तो जीवन लीला को समाप्त कर देता है या फिर वो मतलब परमानेंटली डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स जो है ना कोई भी काम होता है उसको मोटिवेट ही करें, प्रेशर ना डालें। एक सर फ्रेंडली नेचर रहना चाहिए पेरेंट्स का सर। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बच्चा शर्माए ना सर कोई भी बात बताने में। यस, क्योंकि जब तक हम फ्रेंडली अगर रिलेशन नहीं रखेंगे तो बच्चा कोई भी बात है ना वो दूसरे पेरेंट्स को नहीं बता पाएगा और वो अपने मन में ही रखेगा, और जो मन में रखता है वो फिर उसको नुकसान करती है। अभी सर जैसे जो कॉलेज के स्टूडेंट है सर जो इस टाइम पे कॉलेज में कर रहे हैं तो उनका क्या है, मतलब काफी डाइवर्ट रहते हैं, ये एक ऐसी स्टेज रहती है इसमें मतलब है, कोई किसी चक्कर में पड़ जाएगा, कोई किस में, मतलब एक कॉलेज के टाइम को अच्छी तरह यूज नहीं कर पा रहे। यस, तो उनके लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों के लिए? अब देखिए थोड़ा सा आज का टाइम जो है सोशल मीडिया का ज्यादा है। बिल्कुल सर, तो बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा टाइम खर्च ना करें, और ठीक है मतलब जो फोन है वो एक अच्छी चीज है लेकिन उसको आप पढ़ाई के लिए यूज करें, और जो आपका कॉलेज का जो कार्य है जो एजुकेशन का है शिक्षा का है उसको आप महत्व देते हुए और उसका ज्यादा काम करें, और बाकी जो ये बाकी के सोशल मीडिया के आजकल देख रहे हैं हमें कि व्हाट्सएप वगैरह है या इंस्टाग्राम वगैरह है ना, तो उनको मतलब कोई महत्व नहीं है जीवन में, तो ये चीजें मतलब छोड़ करके और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे, शिक्षा ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। बिल्कुल सर। सर एक जीवन में जब कठिन समय आता है जैसे बच्चों की लाइफ में आता है कहीं ना कहीं अप्स डाउन आते रहते हैं लाइफ के अंदर, यस उनको कैसे सोल्व आउट करें सर? हाँ देखिए मतलब हलचल कई बार दिमाग में आ जाती है तो उसको बड़े शांत स्वभाव से मतलब सॉल्यूशन होता है इंटरनल होता है बहुत बार, और जब आप शांत स्वभाव से उसको सोचेंगे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतलब रिजल्ट निकलता है उसका, और अगर फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो सबसे पहले आप पेरेंट्स से बात करें, बच्चा जो है वो पेरेंट्स से बात करे कि भी इस चीज का हमें क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो क्योंकि उनका एक अनुभव होता है लंबा जीवन का तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं एक अच्छा सोल्यूशन उनको देंगे, और बच्चों को भी चाहिए कि वो उस चीज को मानना चाहिए क्योंकि बच्चे फिर अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिया उसमें ये मानिए कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो उस सुझाव को भी मानना चाहिए, क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि अपने आप इस लाइफ के अंदर जो पेरेंट्स है ना वो एक ऐसे वेल विशर है जो अपने लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। बिल्कुल और बच्चे फिर उस चीज को मानती नहीं है कि नहीं आपको क्या पता, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, फिर बच्चों को भी पेरेंट्स के साथ विचारों में तालमेल करना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ तालमेल करना चाहिए। बिल्कुल सर, तब जाके बात बनती है सर। हाँ और सर आपका कोई लास्ट मैसेज आज के जनरेशन के लिए सर? यस तो पेरेंट्स और बच्चों का आपस में विचारों का तालमेल होना चाहिए, और दूसरा कि भी पेरेंट्स जो है ना बच्चों पे अनावश्यक दबाव या प्रेशर किसी चीज का ना डालें, तो बच्चा पॉजिटिव सोच रखे और अपने दिमाग के अंदर जो नेगेटिव विचार है उसको ना रखे, पॉजिटिविटी रखे, तो निश्चित रूप से जो है ना युवाओं को कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारी जनता के लिए दिया सर। आपके चैनल का भी मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे विचार जो है ना
आम जनता के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, चलो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।